रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा तनाव काफी आगे बढ़ चुका है। हालात ऐसे हैं कि कभी भी दोनों देशों के बीच जंग हो सकती है। हाल ही में अमेरिका ने इस बात का दावा भी किया है कि रूस ने थोड़े ही समय में वहां इतनी सैन्य शक्ति जमा कर ली है कि वो कभी भी अटैक कर सकता है। बात करें यूक्रेन की, तो अमेरिका, ब्रिटेन, स्वीडन, तुर्की समेत कई देशों ने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई भी शुरू कर दिया है। अब देखने वाली बात यह है कि अगर दोनों देशों के बीच जंग होती है तो कौन किस पर भारी पड़ेगा। इसके लिए आइए एक नजर डालते हैं यूक्रेन और रूस की सैन्य ताकत कितनी है, जिससे ये भी समझा जा सकता है कि कौन कितना ताकतवर है। रूस की सेना दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में गिनी जाती है। रूस के पास करीब 34 लाख से ज्यादा सैनिक हैं, जिसमें से करीब 11 लाख सेना अभी एक्टिव मोड पर है। वहीं यूक्रेन के पास 11 लाख के करीब कुल सैनिक हैं, जिनमें से महज 2,55,000 सैनिक एक्टिव हैं। अब जंगी हथियारों की ओर नजर डालें तो रूस के पास 12,270 टैंक्स हैं और यूक्रेन के पास सिर्फ 2,105 टैंक्स, जो रूस की तुलना में बेहद कम है। जहां रूस के पास 26,831 बख्तरबंद लड़ाकू वाहन हैं, वहीं यूक्रेन के पास इन वाहनों की संख्या केवल 6,990 है। रूस के पास कुल 18,497 आर्टिलरी है, तो वहीं यूक्रेन के पास केवल 3,721। अब बात दोनों देशों की वायुसेना की करें तो रूस यहां भी बाजी मार गया। रूस के पास सैन्य हवाई जहाजों की संख्या 5,552 है और यूक्रेन के पास महज 326 हवाई जहाज हैं। रूस के पास 792 लड़ाकू जहाज हैं, तो वहीं यूक्रेन के पास केवल 70 लड़ाकू जहाज हैं। बात करें हेलीकॉप्टर्स की, तो रूस के पास 1,724 हेलीकॉप्टर्स हैं, वहीं यूक्रेन के पास 129 हेलीकॉप्टर्स हैं। रूस के पास 30 कॉम्बैट ड्रोन हैं, तो वहीं यूक्रेन के पास 12 कॉम्बैट ड्रोन हैं। सैन्य खर्च के मामले में रूस दुनिया के टॉप 5 देशों में है। रूस और यूक्रेन की नेवी की बात की जाए तो यहाँ भी रूस ने यूक्रेन को पीछे छोड़ दिया है। रूस के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, वहीं यूक्रेन के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। जहां रूस के पास 59 सबमरीन है और यूक्रेन के पास एक भी नहीं है। रूस के पास 74 विध्वंसक जहाज हैं और यूक्रेन के पास केवल 2। रूस के पास कॉर्वेट जहाजों की संख्या 83 है, लेकिन यूक्रेन यहां पे भी शून्य पर ही है। बात करें न्यूक्लियर वेपन्स की, तो रूस के पास लगभग 6,257 परमाणु हथियार है, जिन्हें रूस मिसाइलों, पनडुब्बियों और विमानों से लॉन्च कर सकता है। वहीं यूक्रेन को 1991 में सोवियत संघ से स्वतंत्र होने पर यूक्रेन को लगभग 3,000 परमाणु हथियार विरासत में मिले, जिससे उसका परमाणु हथियारों का जखीरा दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा हो गया। सैन्य ताकत की तुलना में हर जगह रूस का पलड़ा जरूर भारी है, लेकिन युद्ध होने की स्थिति में यूक्रेन को दूसरे देशों से मदद मिल सकती है। इस बीच हर स्तर पर ये कोशिश जारी है कि युद्ध की जगह बातचीत के जरिए हल निकाला जाए।